हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इशू पर स्वागत है। दोस्तों, हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स 3 के पार्ट नंबर 18 की। 17 पार्ट तक वीडियो अपलोड हो चुका है, उसका प्लेलिस्ट का हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया, लिंक पर क्लिक करके सभी वीडियो आप देख सकते हैं। आज का दोस्तों वीडियो है प्रश्नावली 2.4 का ही क्वेश्चन नंबर 4 और 5, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि संगतता की जांच करें और साथ में अगर वो संगत है तो हल ज्ञात करें और असंगत है तो वहीं पर आपको बताना होगा। तो इसमें आपको टू टाइप्स के संगत और असंगत बन रहे हैं, तो सिंपल आपको पहले बताना चाहेंगे। तीसरा क्वेश्चन, चौथा ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे। क्वेश्चन ये दिया है 2x + 3y + 4z = 14, x + 5y + 7z = 15, 3x + 11y + 13z = 29। इसका आपको क्वेश्चन दिया है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि संगतता की जांच करें और अगर वो संगत है तो साथ में आप हल भी उसका एक्स वाई जेड का मान भी ज्ञात करें। ठीक है, संगत होगा तभी एक्स वाई जेड के मान होंगे, द्वितीय हल होगा, ठीक है, या फिर अनेक हल होंगे, लेकिन अगर असंगत है तो वो असंगत होगा। चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला इसको ए एक्स इक्वल टू बी के रूप में लिखना होगा। तो ए क्या है, ए जो होता है दोस्त, ये कैपिटल ए, ये आपका जो समीकरण दिया गया है उसके जो आपके एक्स वाई जेड हैं उसके जो गुणांक हैं वही आपके क्या हैं, ए की वैल्यू है। तो सिंपली आप देखिए, जैसे एक्स का गुणांक 2 है, वाई का गुणांक 3 है, जेड का गुणांक 4 है, तो पहले पंक्ति के जो आपके ए का मान हुआ वो 2, 3, 4 हुआ, दूसरे का आपका 1, 5, 7, तीसरे का 3, 11, 13। तो आपने देखा क्या कि जो आपको इक्वेशन दिया है उसका जो मल्टीप्लिकेशन है, जो आप लिख रहे हैं इसका मल्टीप्लिकेशन का ही आपको लिखना है। चलिए यहाँ पर आप इसको लिख लेंगे ए की वैल्यू, उसके बाद एक्स की वैल्यू एक्स वाई जेड लिखेंगे। एक्स के यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड, जो अज्ञात चरों की संख्या कितनी है, 3। फिर आपका बी है, बी आप क्या लिखेंगे दोस्त, 14, 15, 20 लिखा गया है। ये आपको जो इक्वेशन दिया जाएगा उस इक्वेशन के इक्वल पार्ट में जो दिया जाएगा वो आपके बी की वैल्यू होगी। क्या होगी, बी की वैल्यू होगी। तो सिंपली आपको 14, 15 और 29 को यहाँ पर कम्प्लीटली अच्छे से लिखना है। उसके बाद ए एक्स बी के फॉर्म में इसको लिखने के बाद मेन पॉइंट आता है, अब यहाँ पर संवर्धित आव्यूह अर्थात ए अनुपात बी। ये क्या होता है दोस्तों, संवर्धित आव्यूह का रूल होता है, इसको आप संवर्धित आव्यूह में लिखने के बाद इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज करना है। अगर आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या होता है कि जो विकर्ण है, ये विकर्ण के नीचे के जो एलिमेंट्स हैं ये आपके शून्य हो जाते हैं। अगर ये शून्य हो गए तभी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हैं। तो चलिए इसको हम यहाँ पर देखते हैं। तो पहले संवर्धित आव्यूह कैसे लिखा गया, तो ये पहले आप समझ लीजिए ये ए है, चूँकि ए अनुपात बी है तो ए की वैल्यू ये पूरा है तो इसको लिख दिया गया, बीच में अनुपात लगाया गया, फिर यहाँ पर बी है तो बी की वैल्यू ये है तो बी की वैल्यू को यहाँ पर 14, 15, 29 यहाँ पर लिख दिया गया। ठीक है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है दोस्त कि अब आप इसको चेंज करते हैं, इसमें संक्रिया लगाने की हम कोशिश करते हैं। तो देखिए पहला यहाँ पर अगर हम बात करें संक्रिया की, तो ये R2 आपको दिख रही है, ये आपका पहली वाली R1 है, ये दोनों क्या है, ये तीनों रो हैं, तो दूसरा रो आपका R2 है और पहला आपका R1 है। तो हम यहाँ पर करना क्या चाहते हैं दोस्तों कि R2 को R1 की जगह पर और R1 को R2 की जगह पर हम एक्सचेंज करना चाहते हैं। तो सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जब एक्सचेंज करेंगे, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं R1 R2 में एक्सचेंज करना है, तो सिंपली यहाँ पर होगा क्या, ये देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा, जो 1, 5, 7, 15 है ये ऊपर घूमकर चला जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 5, 7, 15 और ऊपर वाला 2, 3, 4 और 14 जो है वो आपका घूमकर दूसरे नंबर पर आ जाएगा अर्थात R2 की जगह पर, तो आपका सबसे ऊपर वाला क्या हो जाएगा 2, 3, 4, 15, नीचे आपका दोस्तों 3, 11, 13 और आपका 29 यहाँ पर बचेगा, इतना यहाँ पर आने वाला है जब आपकी पहली संक्रिया। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, जब आपका ये पहली पंक्ति में यहाँ पर 1 आ जाता है तो आपको करना आसान हो जाता है, अगर आपने पिछले वीडियो देखा होगा तब। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, आप संक्रिया लगाएंगे, यहाँ पर 2 है तो 2 माइनस करेंगे तभी 0 होगा, 3 है तो 3 माइनस करेंगे तभी 0 होगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि R2 की जगह पर, इस R2 की जगह पर हम लिख सकते हैं R2 - 2R1, क्या R2 - 2R1, R2 की जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर R2 की वैल्यू कितनी है 2 - 2 × R1 की वैल्यू कितनी है ऊपर दोस्तों 1, तो 2 - 2 कितना हो गया यहाँ पर 0। तो इस प्रकार आपने क्या देखा यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर आपका कितना आया 0। इसी प्रकार यहाँ पर आप दूसरे पॉइंट पर देखेंगे तो यहाँ पर पहले 3 है, 3 माइनस
टू इंटू आर वन, आर वन जस्ट ऊपर की वैल्यू, आर ऊपर की वैल्यू कितनी है फाइव, तो आपके पाँच दूनी दस, मतलब सात माइनस दस कितने आ जाएंगे माइनस थ्री, माइनस टेन कितने आ जाएगा माइनस सेवन। ओके, इसी प्रकार आपका दोस्त इसको हल करेंगे तो ये फोर है, तो इसमें आप लगाएंगे फोर माइनस टू इंटू आर वन, ऊपर वाला वैल्यू है सेवन, तो आर वन सात दून चौदह और माइनस चार करेंगे तो यहाँ पर आपका माइनस टेन आएगा, कितना आएगा माइनस टेन। इसी प्रकार दोस्त यहाँ पर देखेंगे फोर्टीन है, तो फोर्टीन माइनस थ्री टू इंटू फोर्टीन माइनस, फोर्टीन माइनस टू इंटू यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ आर वन है, तो आर वन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है फोर्टीन माइनस, यहाँ पर आप देखिए ऊपर फिफ्टीन है, तो पंद्रह दूनी कितने होंगे तीस, और यहाँ पर तीस और चौदह माइनस करेंगे तो चूंकि माइनस की संख्या सोलह बड़ी है इसलिए माइनस का सिक्सटीन आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें दोस्त, यहाँ पर नीचे वाला ये थ्री है तो इसमें अगर हम थ्री माइनस करेंगे तभी ये जीरो होगा, तो सिंपली यहाँ पर हम ये कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं आर थ्री की जगह पर आर थ्री माइनस थ्री आर वन, अर्थात आर थ्री आपके थ्री आर वन, देखिए यहाँ पर थ्री है तो यहाँ पर आर वन वन है, अगर इसमें हम थ्री से मल्टीप्लाई करके दोनों को माइनस कर देते हैं तो जीरो आ जाएगा, तो सिंपली यहाँ पर आर थ्री की जगह पर हम लिखेंगे आर थ्री माइनस थ्री आर वन, तो देखिए आर थ्री मतलब यहाँ पर थ्री है माइनस, एक मिनट, आर थ्री थ्री है माइनस थ्री इंटू आर वन की वैल्यू कितनी है वन, तो वन थ्री माइनस थ्री कितना हो जाएगा जीरो। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करते हैं दोस्त, तो यहाँ पर एलेवन है, तो एलेवन माइनस, एलेवन माइनस थ्री इंटू आर वन मतलब फाइव, तो यहाँ पर पानती पंद्रह और पंद्रह में से माइनस पंद्रह में से आपको यहाँ पर एलेवन जाना है, तो आपका बचेगा क्या पंद्रह में से एलेवन माइनस फोर बचेगा। नेक्स्ट आपका दोस्त यहाँ पर ये जो लिखा है ये थर्टीन लिखा हुआ है, तो ये थर्टीन लिखा हुआ तो इसको लिखना है आपको थर्टीन माइनस थ्री इंटू कितना सेवन, तो ये कितना हो जाएगा आपका सात्रिक इक्कीस, और इक्कीस आपका माइनस का इक्कीस है और एट जाएंगे तो आपका आ जाएगा कितना माइनस एट। लास्ट आपका दोस्त बात करें तो ये आपका ट्वेंटी नाइन है, तो ट्वेंटी नाइन माइनस फिफ्टीन इंटू, फिफ्टीन इंटू कितना टू, तो फिफ्टीन इंटू टू हो जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर आपके पंद्रह दूनी तीस। एक मिनट दोस्त, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर आपको क्या करना है, ये ट्वेंटी नाइन है तो ये ट्वेंटी नाइन लिखना है माइनस थ्री इंटू आपको पंद्रह करना है, ये चूंकि ऊपर वाला आर वन की वैल्यू है, तो थ्री इंटू मतलब पंद्रह या पैंतालीस और माइनस पैंतालीस प्लस उनतीस करेंगे तो आपका माइनस का सिक्सटीन आएगा, क्या आएगा माइनस का सिक्सटीन। आपने क्या देखा, इस विकर्ण के नीचे के दो एलिमेंट्स तो शून्य हो गए लेकिन तीसरा एलिमेंट जो माइनस फोर है वो शून्य नहीं हुआ, उसको शून्य करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना है इस लाइन में, आप ध्यान दीजिए कि यहां पर अगर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, यहां पर आप देख रहे हैं फोर इसमें भी है, फोर इंटू टू एट इसमें है, फोर इंटू फोर माइनस सिक्सटीन इसमें भी है, तो इसमें क्या है फोर कॉमन है, तो हम करते क्या है कि जो आपकी आर थ्री है उसमें हम एक संक्रिया लगाते हैं, आर थ्री को माइनस वन बाई फोर आर थ्री से डिवाइड कर देते हैं, अगर आप आर थ्री को वन बाई फोर से माइनस वन बाई फोर से डिवाइड करते हैं तो आपको नेक्स्ट जो मिलेगा इसमें पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तीसरी पंक्ति में आपका होगा क्या, यहाँ पर जीरो हो जाएगा, यहाँ पर आपका प्लस वन हो जाएगा, यहाँ पर आपका फोर हो जाएगा, यहाँ पर आपका सिक्सटीन हो जाएगा, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपका क्या हुआ वन फाइव सेवन फिफ्टीन जीरो माइनस सेवन माइनस टेन माइनस सिक्सटीन, नीचे आप देख सकते हैं जीरो वन टू फोर जीरो वन टू फोर, ये यहाँ पर इसको पूरा आप देख सकते हैं कि जीरो वन टू फोर प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि इस विकर्ण के नीचे ये जीरो हो गए, अब इसको कैसे जीरो किया जाए, तो दोस्त यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर आप ऊपर से कोई करते हैं तो यहाँ पर वन आ जाएगा फिर से दिक्कत आएगी, तो हम क्या करते हैं आर थ्री की जगह पर ये संक्रिया लगाते हैं, आर थ्री की जगह पर आप लिख सकते हैं, अगर देखिए ये आपका माइनस सेवन है इसमें हम सेवन से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों को जोड़ दें तो माइनस सेवन प्लस सेवन क्या हो जाएगा यहाँ पर जीरो, तो वही चीज़ करना है आर थ्री को जो आपका ये आर थ्री है आर थ्री वाले में आपको सेवन से मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वाला आर टू है इसको आपको ऐड कर देना है, तो जब आपका सेवन इंटू वन होगा समझिए यहां पर इसका मतलब क्या हुआ सेवन इंटू आर थ्री की वैल्यू कितनी है दोस्तों वन प्लस प्लस की जगह पर आपका यहाँ पर आर टू है तो आपका माइनस सेवन होगा, क्या होगा माइनस सेवन, प्लस सेवन माइनस सेवन कैंसिल हो जाएगा आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा यहाँ पर अभी जीरो, चूंकि आर थ्री की जगह पर आपको रखना है, जैसा आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ गया यहाँ पर आपका जीरो आ गया। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें दोस्त, यहाँ पर हम बात करते हैं इसी पॉइंट की, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट ये है आपका ये टू है, तो आप लिखेंगे सेवन इंटू टू माइनस माइनस का टेन,
क्योंकि R2 की वैल्यू ऊपर कितनी है -10, तो 14 -10 करेंगे कितना आ जाएगा +4 हो जाएगा। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें दोस्तों, आपको दिया है R3 की वैल्यू, तो 7 इंटू R3 की वैल्यू कितना है यहाँ पर 4, और प्लस R2 की वैल्यू मतलब कितनी है -16, तो इसकी आपका हो गया यहाँ पर -16। सच्चों को 28 और 16 माइनस करेंगे तो आपका प्लस का 12 होगा, कितना होगा प्लस का 12। तो इतना आपका यहाँ पर कंप्लीट आएगा। इतना आने के बाद आपको यहाँ पर देखना है क्या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स प्रूफ हो गया, तो बस आपको इस विकर्ण के नीचे के एलिमेंट देखना है। जैसा आप देख सकते हैं इस समय आपके तीनों विकर्ण क्या हैं, शून्य हैं, अर्थात ये क्या है इस समय यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं ये क्या है एक संगत संगत नहीं दोस्त, ये चीज़ आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स फिट होने के बाद अब आपको देखना है कि इसमें रो ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी है। तो रो ए अनुपात बी मतलब इस जो आपको मैट्रिक्स दिया गया है इसमें आपके रो ए अनुपात बी कितनी है, रो ए अनुपात बी का मतलब अशून्य पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो 1, 2, 3 अशून्य पंक्तियों की संख्या कितनी है 3, तो आपका रो ए अनुपात बी कितना आएगा 3, तो कोटि आपकी यहाँ पर 3 प्राप्त हुई। अगर आप रो ए निकालेंगे, रो ए का मतलब दोस्त होता है गुणांक आव्यूह, गुणांक आव्यूह जो आपका होता है ये आपका होता है, ये आपको क्या है ये जो वैल्यू लिखी गई है ये आपका ए अनुपात बी लिखा गया है, तो यहाँ पर ए गुणांक आव्यूह आपका ए होता है, तो ये आपको अब देखना है ए। तो इसमें आप देखेंगे तो इसमें अशून्य पंक्तियों की संख्या कितनी है 1, 2, 3, इसमें भी आपके अशून्य पंक्तियों की संख्या कितनी है 3, तो आपको यहाँ पर भी 3 मिला, यहाँ पर 3 मिला, अर्थात रो ए अनुपात बी इक्वल टू रो ए इक्वल टू 3, अर्थात आपके दोनों इक्वल हैं। इस प्रकार यह अज्ञात मतलब ये आपके क्या है इक्वल हैं, अर्थात ये आपका जो समीकरण है ये क्या है संगत है, ये जो आपका समीकरण निकाय है ये संगत है, और ये क्या होगा दोस्त द्वितीय हल होगा या अनंत हल होगा। इसके लिए क्या करना होता है कि ये जो आपको दिया गया है इसमें आप देखिए क्या जो आपको 3 आया है क्या अज्ञात चरों की संख्या भी 3 है, तो बिल्कुल राइट। अज्ञात चर क्या है दोस्तों, जो आपको एक्स वाई जेड यहां पर दिया गया है, ये देखिए एक्स वाई जेड जो दिया गया है यही है अज्ञात चर, तो यहां पर एक्स वाई जेड कितने हैं 3 है, और आपके रो ए अनुपात बी की वैल्यू जो आई है वो कितनी आई है वो 3 आई है, अर्थात इस प्रकार जब यहां पर 3 इसकी वैल्यू आई है। जैसा आप यहां पर एक मिनट हम आपको क्लियर करते हैं, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कितना वैल्यू आया है दोस्त, रो ए अनुपात बी की वैल्यू 3 आई है, तो और यहाँ पर सभी एक दूसरे के अज्ञात राशियों की संख्या रो ए अनुपात बी और रो ए ये सभी इक्वल हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर संगत होगा, और साथ में इस समीकरण निकाय का जो हल होगा वो द्वितीय हल होगा। तो चलिए अब तो ये संगत होगा तो इसके एक्स वाई जेड के मान भी आपको निकालना होगा, तो चलिए निकालते हैं। तो पहला पॉइंट आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है, जब आप हल करेंगे हल करने के बाद आपको ये ए की वैल्यू है, देखिए हल करते समय इसको क्या करना है ए एक्स इक्वल टू बी के रूप में चेंज करना है। ए की वैल्यू आपने जो हल किया उसको निकाला 157 0 -10 0 -7 10 0 0 4, ये आपके ए की वैल्यू जो आपने सॉल्व किया वो है। फिर आपको एक्स वाई जेड करना इक्वल, फिर आपको 15 -16 12, मैं आपको एक बार मेंशन कर देता हूँ, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं ये चीज़ है 157 0 -7 10 0 0 4, ये ए की वैल्यू है, और इस पार्ट में आपने जो हल करके निकाला 15 -16 -14, ये जो वैल्यू आपकी है ये किसकी वैल्यू है बी की वैल्यू है। तो सिंपली यहाँ पर आप पुट कर देते हैं इसको, यहाँ पर लिखने के बाद अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो सिंपली आप एक्स का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पहली पंक्ति से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप वाई से करेंगे, फिर जेड से करेंगे। तो चलिए करते हैं, तो एक्स से करेंगे तो दोस्त यहाँ पर एक्स हो जाएगा, प्लस का करेंगे 5y, ये आपका क्या होगा 5y, प्लस आपका होगा जेड है और ऊपर 7 है, तो 7z इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 15 होगा, कितना होगा 15, क्योंकि ये आपका इक्वल में क्या दिया है 15 दिया है। तो आपको इतना ध्यान देना है, पहले एक्स प्लस 5y, फिर आपका क्या होगा दोस्तों यहाँ पर प्लस 7z इक्वल टू जो आपका ऊपर है वो आपका 15 इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पर एक्स वाई जेड दिख रहा है, एक्स को जुड़ा इससे गुड़ा करेंगे तो 0x होगा, वाई को इससे गुड़ा करेंगे तो -7y, जेड को इससे गुड़ा करेंगे तो -10z इक्वल टू क्या होगा 16, चूँकि आपको 16 यहाँ पर दिया गया है माइनस का 16। नेक्स्ट पॉइंट आपका लास्ट जो है यहाँ पर 0 0 4 है, तो आप 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 0x, फिर 0y, फिर लास्ट में आपका 4 है, तो 4 × z आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 × z इक्वल टू आपका 4 × z इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, क्योंकि इसके बराबर कितना है 12 है। तो आपने क्या देखा कि आपको एक्स वाई जेड को सिंपली जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था मैं आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करने के बाद इसको सॉल्व करना है। अगर आपको इसको सॉल्व करने के एक्स वाई
जेड के मान प्राप्त होते हैं तो उसको कन्फर्म आप लिखिए। तो यहाँ पर क्या होगा, तो दोस्त यहाँ पर क्या होता है कि अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये एक्स वाई यहाँ पर ये पूरा जीरो हो जाता है, यहाँ पर बचता है 4z = 12 और इस 4 को आप डिवाइड कर देंगे तो 12/4 होगा अर्थात 12/4 और 4 × 3 = 12, मतलब जेड की जो वैल्यू आपको प्राप्त हुई, जेड की वैल्यू आपको 3 यहाँ पर प्राप्त हो गई। अगर यहाँ पर जेड की वैल्यू प्राप्त हो गई है और ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं इसमें 0x मतलब x का मान 0 है, -7y - 10z = -16 है, अर्थात यहाँ पर आपको y का मान ज्ञात करने के लिए ओनली जेड की वैल्यू आप पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा और जेड की वैल्यू ऑलरेडी आपको 3 मिला है। तो यहाँ पर हम इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेते हैं -7y - 10z = -16, तो ये आपका हो जाएगा -7y, ये -10 × 3, 3 की वैल्यू कितनी है दोस्त 3, मतलब जेड की वैल्यू कितनी है 3 -16। अब आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका 10 × 3 = 30, मतलब प्लस का 30 हो जाएगा, तो -16 + 30 और ये -7y, तो ऊपर आपका दोस्त यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर +14 और ये -7y, इससे आप डिवाइड करेंगे तो y = -2 आ जाएगा, तो जेड का मान आपको 4 आया, वाई का मान आपको कितना आया -2 आया। तो इस प्रकार आपने यहाँ पर देखा x का मान कितना है दोस्त 4, y का मान -2 आया, z का मान 3। अभी आपने x का मान अभी हमने आपको निकालना नहीं बताया, x का मान बहुत सिंपल है, जो आपको पहला इक्वेशन दिया है x + 5y + 7z = 15, इसी में आप पुट कर दीजिए y और z के मान को। तो यहाँ पर हम पुट करते हैं, इस इक्वेशन को हम यहाँ पर लिखते हैं, तो जब यहाँ पर आप लिखेंगे तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब हम लिखते हैं तो x + 5y + 7z = 15, तो सिंपली यहाँ पर x हो जाएगा, फिर आप 5 लिखेंगे, y की वैल्यू अभी आपने -2 निकाली, +7 × z की वैल्यू आपने 3, तो 7 × 3 = 15, तो x - 10 + 21 = 15। सिंपली यहाँ पर जो आएगा आपका दोस्त, यहाँ पर ये दोनों ऐड करेंगे -10 और +21, तो +11 आएगा = 15 होगा। सिंपली यहाँ पर 11 को उस पार्ट में आप भेज दीजिए तो x = 15 - 11 हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा x का मान कितना 4। तो इस प्रकार आपने देखा x का मान 4, y का मान -2 और z का मान कितना आया 3। तो आपने यहाँ पर यह सीखा कि x y z का मान निकालने के साथ साथ आपको संगतता, अगर संगतता आपको पहले प्राप्त करना है फिर आपको वहाँ पर अद्वितीय हल होगा या फिर आपका अनेक हल होगा, ये चीज़ भी आपको समझना होगा, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि आपके अज्ञात राशियों की संख्या और आपके रो अनुपात संवर्धित आव्यूह और आपका यहाँ पर गुणांक आव्यूह सभी इक्वल हैं, इसलिए इसका क्या होगा अद्वितीय हल होगा। चलिए यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है, 5x। एक मिनट, आपको 5 की ओर जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा जो एक क्वेश्चन दिया गया है इसमें कुछ बुक्स में आपको 4 दिया गया है, उसको आप 14 जरूर कर लीजिए जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो चलिए आपका चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि 5x + 3y + 7z = 4, 3x + 26y + 2z = 9, यहाँ पर आपका 7x + 2y + 10z = 5। संवर्धित आपको यहाँ पर क्या करना है कि संगतता की जांच करना है और साथ में हल करके एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है, आपको इसको ax = b के रूप में लिखना है, यही आपका मेन पॉइंट है। तो ax = b का मतलब, a का मतलब क्या है कि जो आपका विकर्ण, जो आपका इक्वेशन दिया गया है उस इक्वेशन में एक्स और वाई जेड का क्या है गुणांक। तो आप देखेंगे आपका ये पहला, अगर हम पंक्ति की बात करें तो इसमें क्या है गुणांक 5, 3, 7, इसके क्या है एक्स वाई जेड के गुणांक है। दूसरे में आपके 3, 26, 22 गुणांक है, लास्ट पंक्ति में आपका 3, 20 और आपका 2, 20 और 7, 2 और 10 है, ठीक है, लास्ट वाले में। इसी प्रकार आपने यहाँ पर देखा इसको हम करते क्या है, यहाँ पर ax = b के रूप में आपको लिखना है, तो पहले हम यहाँ पर a की वैल्यू लिखेंगे। a हमने क्या बताया, इस एक्स वाई जेड का जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें से आप लिखेंगे तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। फिर x का मतलब एक्स वाई जेड, b का मतलब आपको जो भी इक्वेशन है उसके इक्वल में जो दिया है 4, 5, 4, 9 और 5, इसको आप लिखेंगे जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, इक्वल में 4, 9,
5 है उसी को आप लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट होता है दोस्त, यहाँ पर संवर्धित आव्यूह अर्थात ए अनुपात बी निकालना होगा। तो ए अनुपात बी जब आप निकालते हैं तो सिंपली यहाँ पर आप समझिए, ए अनुपात बी निकालने के लिए ये आपको दिया है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका रूल होता है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कि आपका जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसमें विकर्ण के नीचे के जो एलिमेंट्स हैं जैसे 372 है इसको आपको शून्य करना होगा, तभी आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसके लिए हम यहाँ पर बहुत ही विशेष इसको समझना है। यहाँ पर देखिए, अभी तक ऊपर 1 रहता था तो एक सिंपली 3R2 - R1 2R2 - R1 ऐसे कर देते थे तो शून्य हो जाता था। लेकिन अब समस्या यहाँ पर ये क्रिएट हो गई है कि यहाँ पर आपको ऊपर दिया गया है, एक मिनट आपको क्लियर करना चाहेंगे, ऊपर आपको यहाँ पर 5 दिया है, नीचे 3 दिया है, अगर इसको माइनस भी करते हैं तब भी यहाँ पर 2 बच जाएगा। तो ऐसा क्या करते हैं दोस्त, अगर इसमें आप ऊपर वाले से 3 मतलब 5 में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 में 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 3 = 15 ऊपर भी और 3 × 5 = 15 नीचे भी। तो इस प्रकार 15 और 15 ऊपर नीचे हो जाएगा और दोनों को फिर कर दीजिए माइनस, तो 15 - 15 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। पहली पंक्ति को आपको इसी प्रकार लिख देना है जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहली पंक्ति को 5375 लिख देना है। दूसरी पंक्ति में क्या करना है आपको, दूसरी पंक्ति में आप ध्यान दीजिए ये 3 है तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आपका 3 × 5 - 3 × 5 चूँकि आपने लिखा -3R1 की वैल्यू ऊपर 5 है तो 5 × 3 = 15 कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर करेंगे क्या, 26 × 5 - 26 × 5 - यहाँ पर आपका 3 × R1, R1 की वैल्यू कितनी है दोस्त, यहाँ पर आपकी 3 है, R1 की वैल्यू कितनी है आपकी, R1 की वैल्यू यहाँ पर आपकी 3 दी हुई है। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 6 × 4 कितना है दोस्त, ये 6 × 5 = 30 और 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10 130 होगा और यहाँ पर आप 3 × 3 = 9 इतना माइनस, तो 130 में से आप 9 माइनस करेंगे तो आएगा कितना आएगा, 121 आएगा, 130 माइनस 9 करेंगे तो 121 आएगा। नेक्स्ट पॉइंट तो अगर हम बात करें, यहाँ पर 2 लिखा है तो और यहाँ पर आपका यहाँ 2 लिखा है तो इसको करेंगे तो 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, -3 × R1 = 7 तो 10 - 7 = 21, 7 - 21 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -11 आ जाएगा, मतलब -11। नेक्स्ट अगर दोस्त हम बात करें 9 की तो 9 × 5 - 4 × 2 तो यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे, 9 × 5 = 45 - 8, 9 × 5 = 8 करेंगे तो आपका आ जाएगा 33, कितना जाएगा 33। इसी प्रकार आपको दोस्त यहाँ पर ध्यान देना है, अब आपको नीचे वाले में करना है, जैसे आपने ऊपर किया 5R2 - 3R1 तो यहाँ पर करना होगा चूँकि यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 5 है, अगर ऊपर 5 वाले में 7 से मल्टीप्लाई कर दें और इस 7 वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों को माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हमको लिखना है जो ये वैल्यू वो R3 की जगह पर लिखना है, तो R3 की जगह पर लिखना है तो आप पहले लिखेंगे 5 × R3 - 7 × R1, तो 5 × R3 का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, 5 × R3 की वैल्यू यहाँ पर 7 है, -7 × R1, R1 की वैल्यू आपकी कितनी है, R1 की वैल्यू 5 है, तो 7 × 5 = 35 - 7 × 5 = 35 इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पर माइनस करेंगे तो आपका 0। तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि यहाँ पर आपको 0 प्राप्त हुआ। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, यहाँ पर दोस्त आपको 121 दिखा गया है और यहाँ पर आपको 3 दिखाई दे रहा है, आपको करना क्या है यहाँ पर आपने समझिए। हाँ, ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर हम नीचे की बात करें, यहाँ पर आपको दोस्तों दिया है 2 और 2 दिया है तो 5 × R3 की वैल्यू कितना है, 5 × 2 - 7 × R1, R1 की वैल्यू जस्ट ऊपर देखेंगे तो आपको 3 आएगा, तो 5 × 2 = 10 - 7 = 21 करेंगे तो आपका 10 - 21 तो आपका आएगा -11, कितना आएगा -11। और लास्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो यहाँ है आपका 10 और यहाँ पर आप 10 करेंगे तो 5 × R3, R3 की वैल्यू कितनी है, R3 की वैल्यू आपकी यहाँ पर 5 है, R3 की वैल्यू आपकी 5 है, माइनस
सेवन इंटू आर वन की वैल्यू कितनी है, आर वन की वैल्यू आपकी दोस्त कितनी है, यहाँ पर आर वन की अगर हम वैल्यू की बात करें तो आपकी आर वन की वैल्यू यहाँ पर फोर है। तो सिंपली यहाँ पर हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, ये जो आपका लास्ट वाला फाइव वाला पार्ट है, फाइव इंटू फाइव हो जाएगा माइनस फोर इंटू सेवन, तो आपका सच्चे को अट्ठाईस और पाँच पचम पच्चीस, इसको करेंगे तो आपका यहाँ पर माइनस थ्री आएगा। और ये वाला जो आपका टेन वाला था, टेन वाले में कुछ नहीं करना, फाइव इंटू टेन माइनस सेवन इंटू सेवन इंटू आर वन की वैल्यू कितनी है दोस्त, आर वन की वैल्यू आपकी सेवन है, तो सस्ता उनचास और सोलह पंचे यहाँ पर कितना हो जाएगा अस्सी। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, एक मिनट दोस्त, यहाँ पर कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, यहाँ पर आपको टेन दिया गया है, यहाँ पर आपको टेन दिया गया है, तो दस पचास पच्चीस हो गए, ठीक है, फाइव इंटू टेन होगा पचास होगा, और सात और इंटू सात करेंगे तो सस्ता उनचास, मतलब पचास माइनस उनचास कितना आएगा, वन आएगा, इसलिए यहाँ पर वन लिखा गया है। क्या लिखा गया है यहाँ पर, वन लिखा गया है। तो आपने क्या देखा कि इस प्रकार से संक्रिया करने के बाद जो आपको ये प्राप्त हुआ, इसमें ये चीज़ आपको दो चीज़ अब दिख रहा है कि यहाँ पर अभी ये आपको जीरो जीरो हो गया, लेकिन इस विकर्ण के नीचे माइनस इलेवन अभी जीरो नहीं हुआ। तो एक पॉइंट आपको यहाँ पर ये करना होगा, इस दूसरी पंक्ति में आपको ग्यारह से डिवाइड करने पर कोई दिक्कत नहीं होगी, अर्थात ग्यारह आपको कॉमन दिख रहा है, जीरो एक सौ इक्कीस माइनस ग्यारह और तैंतीस, अगर इसको हम ग्यारह से डिवाइड करते हैं तो आसानी से सभी कट जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं आर टू की जगह पर आर टू अपान एलेवन, तो जैसे ही लिखते हैं यहाँ पर तो आपको प्राप्त हुआ फाइव थ्री सेवन फाइव, और नीचे आपको यहाँ पर प्राप्त होगा जीरो एलेवन माइनस वन थ्री, और लास्ट आपका है दोस्तों वही चीज़ आपको लिख देना है जीरो माइनस एलेवन वन माइनस थ्री, इतना आपको यहाँ पर ये प्राप्त हो गया। अब आपको एक पॉइंट ध्यान देना है, आर टू और आर थ्री में कुछ क्या आपको जोड़ने पर आंसर जीरो आ रहा है, इसमें देखिए अगर आप दूसरी पंक्ति को और तीसरी पंक्ति को, इसमें आपका प्लस का इलेवन है, इसमें माइनस का इलेवन है, इसको दोनों को अगर ऐड कर देते हैं और आर थ्री की जगह पर रख देते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छा आंसर मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर करते क्या है, अब आर टू की जगह पर आर टू प्लस आर थ्री, अर्थात ये है आर टू और ये है आर थ्री, इसको दोनों को हम कर लेते हैं प्लस जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले आप देखिए ये पहली पंक्ति को आप ऐसे लिख देंगे फाइव थ्री सेवन फोर, इसको ऐसे ही लिख दीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोस्त नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर आपको ये भी लाइन आपको ऐसे ही लिख देना है जीरो इलेवन माइनस वन थ्री, लास्ट वाली जो लाइन है उसको बहुत इंपॉर्टेंट है जीरो माइनस इलेवन वन माइनस थ्री, इसमें क्या करते हैं पहले आप क्या करेंगे यहाँ पर इन दोनों को जोड़ कर लिखिए, तो जीरो प्लस जीरो कितना होगा यहाँ पर जीरो, इलेवन और माइनस इलेवन को ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा यहाँ पर जीरो, इसी प्रकार आपका माइनस वन प्लस वन को ऐड करेंगे तो आपका आएगा जीरो, इसी प्रकार थ्री माइनस थ्री का जोड़ करेंगे तो आएगा क्या यहाँ पर थ्री माइनस थ्री का यहाँ पर करेंगे तो आपका जीरो। तो आपने क्या देखा कि जो आपने संवर्धित आव्यूह मैट्रिक्स को सॉल्व किया उसमें भी आपको ए अनुपाते बी को वैल्यू जो प्राप्त हुई वो थ्री हुई, और जो आप वैल्यू यहाँ पर आप ए अनुपाते बी की वैल्यू जो आप निकाले हैं वो टू आई है, कितना आएगा दोस्तों टू आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो अशून्य पंक्तियों की संख्या है वो टू है ना कि तीन है, ठीक है, तो अशून्य पंक्तियों की संख्या जितनी होगी उतनी कोटि होगी, तो अशून्य पंक्तियों की संख्या आपकी दो है इसलिए दो होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर आपसे मतलब गुणांक का आव्यूह अर्थात ए की, तो गुणांक का आव्यूह यही होता है, इसमें आप बताइए अशून्य पंक्तियों की संख्या कितनी है, तो एक दो, नीचे वाला तो पूरा शून्य है तो अशून्य पंक्तियों की संख्या कितनी हुई दो। तो इस प्रकार आपको रो ए अनुपात बी और रो ए की दोनों की वैल्यू आपको टू प्राप्त हुई, तो इस प्रकार ये क्या हुआ, ये दोनों इक्वल हुए, अतः यह समकण या निकाय संगत है, और इसमें किंतु अज्ञात चरों की संख्या थ्री है। समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आपके अज्ञात चरों की संख्या रो ए अनुपात बी और रो ए के इक्वल होती है तो उस कंडीशन में आपके क्या होता है, उस कंडीशन में अद्वितीय हल होता है, लेकिन अगर अज्ञात चरों की संख्या आपकी कोटि रो ए अनुपात बी और गुणांक आप भी रो ए से अधिक होती है तो उस समय आपको जो हल प्राप्त होते हैं वो अनंत हल प्राप्त होते हैं। तो उसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप जब अनंत हल निकालेंगे तो उसमें क्या आएंगे ये चीज़ आपको पता करना है, तो इसको लिख देना है आपको ए एक्स इक्वल टू बी के रूप में लिखने पर। तो ए की वैल्यू आपने अभी निकाला है, ए की वैल्यू जो यहाँ पर ये जो पहला वाला है, चूंकि ये ए अनुपात बी में फॉर्म में लिखा है तो ए पहले है फिर अनुपात के बाद बी है, तो इसी को हमने यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं फाइव थ्री सेवन है, जीरो एलेवन माइनस वन है और ये जीरो 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 है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइव थ्री सेवन है, जीरो एलेवन माइनस वन है, जीरो 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 है। इसी प्रकार यहाँ पर एक्स कैपिटल एक्स की वैल्यू एक्स वाई जेड है, फिर आपके बी की वैल्यू आपकी फोर थ्री जीरो है,
है ये क्या है, ये आपके जो आपको दिया गया है उसके इक्वल के बराबर जो 430 है वो आपको यहाँ पर बी के स्थान पर लिखना है। इतना आपको करने के बाद यहाँ पर जो आता है मेन पॉइंट, आप कर देते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो एक्स का यहाँ पर करेंगे तो 5x होगा, फिर आपका प्लस 3y, फिर जेड का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 7z इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 x होगा, यहाँ पर बात करें तो प्लस 11 y होगा, फिर आपका माइनस जेड होगा इक्वल टू कितना होगा 3, चूंकि ये बराबर है 3 के। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ध्यान दीजिए, यहाँ पर किसी भी से मल्टीप्लाई करेंगे 0x प्लस 0y प्लस 0z इक्वल टू 0, ये पूर्ण रूप से आपका 0 हो गया। तो यहाँ पर आपके अनंत हल प्राप्त होंगे, इसलिए आपका यहाँ पर 0 का वैल्यू तो नहीं निकल रहा, तो आपको पहले क्या करना है, मानना है कि माना जेड का जो मान है वो के बराबर है, तो आपको लिखना है माना जेड इक्वल टू के। जब इतना आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको लिखना है, अगर आपका 0 आता है इस प्रकार से जैसा आपने देखा, तो आपको लिखना है जेड इक्वल टू के। जब ऐसा आप करेंगे तो यहाँ पर जेड का आपको इक्वेशन, जो दूसरा इक्वेशन है आप देखिए, यहाँ पर एक्स का मान 0 है, इसमें वाई और जेड है, अगर इसमें हम यहाँ पर जेड की वैल्यू को पुट करते हैं तो वाई की वैल्यू आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पर लिखते हैं 11y और माइनस जेड इक्वल टू जो 3 आपको दिया गया है, इसकी जगह पर जेड की जगह टू जेड की स्थान पर हम यहाँ पर रख सकते हैं, जेड के स्थान पर यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर एक मिनट आपको हम बताते हैं, ये आपका इक्वेशन है 11y माइनस जेड, तो 11y माइनस के, चूंकि जेड इक्वल टू हमने के माना है, इक्वल टू आपका क्या हो गया 3। अब यहाँ पर से वाई की वैल्यू निकालेंगे तो के को उधर भेज दीजिए, तो के प्लस 3 हो जाएगा और नीचे आपका 11, तो वाई इक्वल टू के प्लस 3 अपान 11 होगा, ये किसकी वैल्यू हुई, वाई की वैल्यू। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट करें, अब बात करते हैं एक्स की वैल्यू निकालने, तो एक्स की वैल्यू दोस्तों ये जो आपको पहला इक्वेशन दिख रहा है 5x प्लस 3y प्लस 7z इक्वल टू 4, इसी में आपको वाई और जेड की वैल्यू को पुट कर देना है, उसके बाद आपको एक्स की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो सिंपली यहाँ पर आप लिख सकते हैं, देखिए हमने वही इक्वेशन लिखा है 5x प्लस 3y प्लस 7z इक्वल टू 4, इसमें हम यहाँ पर हल करते हैं इसको। जब यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर हल करेंगे तो आप ध्यान दीजिए, 5 तो x हो जाएगा लेकिन प्लस 3y, और y की वैल्यू अभी जस्ट आपने निकाला, y की वैल्यू आपने कितना निकाला दोस्तों यहाँ पर, k प्लस 3 अपान 11, k प्लस 3 अपान 11। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर रख दीजिए, y की जगह पर आप रख देंगे 3 इंटू के प्लस 3 अपान 11 प्लस आपका क्या है 7z, और z की वैल्यू आपने k माना है तो 7 इंटू के होगा प्लस 7 इंटू के इक्वल टू कितना होगा 4। अब यहाँ पर 11 है, 11 को आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपका 55x हो जाएगा, और यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3k प्लस 9 हो जाएगा, और आगे यहाँ पर 11 को इससे भी मल्टीप्लाई करना होगा तो 77k होगा इक्वल टू कितना होगा 4, इक्वल टू कितना होगा 4। इस 4 को अगर आप इस 4 को इस 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 11 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 44 था, तो आपका यहाँ पर 44 प्राप्त होगा। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें, इसको आप सॉल्व करते हैं तो जो एक्स की वैल्यू आएगी वो -11 -16k+7 / 11 आएगी। कैसे दोस्तों, ये आप इसको ऐड कर लीजिए, 55 को 77 को ऐड कर लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर आपका कितना है, यहाँ पर आपका 3k है, और नहीं दोस्तों 55x है, तो x की वैल्यू निकालना है तो यहाँ पर 77 और इसको जोड़ेंगे तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80k हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपका 44 में से आपका यहाँ पर 9 जाएगा तो 35 बचेगा। तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू लिखेंगे 55x इक्वल टू -80k + 35 बटे कितना है यहाँ पर, बटे में आपका यहाँ पर कितना होगा दोस्तों 55 / 55 चला जाएगा, तो इसमें 5 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -16k + 7/11, ये आपको प्राप्त हो। तो कुल मिलाकर दोस्त पहले आपको इस इक्वेशन को एक्स इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखना है, उसके बाद यहाँ पर नियम रेगुलेशन लगाते हुए एक्स वाई जेड का 3 इक्वेशन बनाना है, फिर उसमें अगर एक्स जेड का मान 0 आता है या इनफाइनाइट फॉर्म में आ रहा है, ठीक है, बहुत अधिक आ रहा है तो आपके अनंत हल होंगे, उस कंडीशन में जेड को आपको के मान लेना है, फिर आपको इसी प्रकार लगाएंगे तो यही आपका आंसर माना जाएगा। आज की वीडियो में 4 और 5 का क्वेश्चन था, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो आपने यहाँ तक देखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब करें, साथ में कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।